लॉकडाउन में तो इतनी तकलीफ दी है कि लोग अपनों को खो दिए, मोहता में नहीं जा सके। उसमें एमएलए साहब का भी बहुत बड़ा मामला है लॉकडाउन के, इसमें नहीं खोदे तो उनको खोदना ही पड़ता है, नहीं खोदे तो उन्हें खोदे जाती है, और कुछ भी नहीं है इसमें से जवाब। बिल्कुल, आप लोग जिंदा हैं, जिंदा हैं तो अपनी जिंदा रहने का सबूत दीजिए। बिल्कुल समझे, ये बोर्ड लगाना बहुत आसान है। मैं ऐसा समझता हूँ कि 1 करोड़ में यहाँ से वहाँ तक मिश्री की रोड बनती है उतने पैसों में। अरे एक एमएलए को नहीं आने देते, एसपी उनके कंट्रोल में होता है, डीसी उनके कंट्रोल में रहता है, एमएलए बोले तो क्या अनपढ़ लोगों के सामने बोले सर का मत बोलिए, चमचे जिसको बोलते हैं, मगर मैं उनको बोल दिया। बोल सकते हैं कौन कौन चमचे? अरे सारे के सारे, किसका नाम लेके बोलो यार। मैं वार्ड नंबर 5 के लोगों से जानते आई हूं सर, क्या क्या तकलीफा? तकलीफा तो ये है कि सबसे पहले वो तो आ रहे हैं, हर साल आते हैं, रोड डालते हैं, इस 3.5 फीट नीचे बीटी रोड है ऑलरेडी, अब उसके ऊपर WBM वो डाल के बढ़ाते बढ़ाते चले गए, जिसकी वजह से हमारा घर पूरा नीचे चले गया है, और अब फिर ऊपर डाल रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि ये पूरा एक्सकवेशन करके फिर से रोड डाले। बिल्कुल काम मतलब ही नहीं है काम का, उल्टा मेरे को तकलीफ है, जिस काम से तकलीफ हो रही है वो काम नहीं करना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम शेख इलियास। एक और वार्ड नंबर 5 के वहाँ से जानते हैं तो क्या करते हैं सर? आपकी रोड जो बनी जा रही है, जैसे बी टी रोड है, ए बी सी है, वो क्या हमको तसली दे रहे हैं, ए बी सी की वजह से चेंज की वजह से चेंज की रोड नहीं है ना, ऑलरेडी 2 फीट का ऑलरेडी जो है 3 फीट अंदर थी है रोड पहले, अभी 3 फीट ऊपर हो गई है। ये मेरे घर का हाल देखिए, बारिश थोड़ा भी बारिश हुआ तो पूरा टोटली अंदर आता है, उसके लिए जो ना हमको रात भर जागना पड़ता है। तो आपकी मांग क्या सर? इसको जो ना खोद के बनाया गया, अगर खोद के नहीं बनाया गया तो सर? खोद के नहीं बनाया गया तो वो तो तेरी बात हो जाती है। सब यहाँ पे गली में आने ही नहीं, खोदे तो नहीं जाना, बिल्कुल आने ही। आपका नाम? ये भी एमएलए साहब से नाराज रख रहे हैं, इनसे जानते हैं सर क्या तकलीफ आपकी? तकलीफ बहुत है, रोड ऊपर हो गई, मकान नीचे हो गए जी। तो अब आपका ये क्या है सर? जो रोड खोद के बनाना, रोड खोद के बनाना, खोद के बनाना। ये अगर रोड खोद के ऐसे ही बना दिए तो सर? नहीं खोद के, ऐसे नहीं बनाना जी, रोड खोद के 1-2 फीट खोद के बनाना रोड। सर CC और BT बनाना बोल रहे थे, इसमें दोनों में से आप क्या बनाना चाहते? कौन सी बनाओ? खोद के बनाओ रोड, खाली खोद के बनाना ही है। खोद के बना, दुनिया का परेशानी हम, पानी उल्टा आ रहा अंदर। आपका नाम सर? मोहम्मद मोइनुद्दीन। ठीक है, शुक्रिया। आज वार्ड नंबर 5 से जितने भी जिम्मेदार शख्स है वो यहाँ पर मौजूद है, ये लोग जो रोड का काम होने वाला उससे नाखुश है। ये नगर उत्थान 4 के बजट में काम होने वाला था, जिसका टोटल एस्टिमेट कॉस्ट 1 करोड़ रुपीस है। तो आइए जानते हैं हलीम साहब से, जो एक सीनियर सोशल एक्टिविस्ट है। सर आपकी जो तकलीफ है वो बोलिए सर। तकलीफ तो मेरी एक की नहीं है, इस गली में जितने लोग हैं, राइट एंड लेफ्ट के जितने मकान हैं, सारे लोगों को तकलीफ है। जब भी बारिश होती है, नाली का पानी नाली से ड्रेन गुने जाता, बल्कि लोगों के घरों में जाता है जी पानी नाली का, और इससे इतनी तकलीफ है कि लोग सो नहीं सकते, गंदगी, बच्चे बीमार हो जाते हैं। इसीलिए हमारी हुकूमत के नुमाइंदे से ये ख्वाहिश है कि इस रोड को खोद कर बनाया जाए, ताकि लोगों के घरों में यहाँ का पानी ना जा सके। ये सारे लोगों का ये इसरार है भाई, आप लोगों का इसरार क्या? बिल्कुल, आप लोग जिंदा हैं, जिंदा हैं तो अपनी जिंदा रहने का सबूत दीजिए। बिल्कुल समझे सर। ये जो 1 करोड़ का बजट रिलीज हुआ इस रोड को, तो ये क्या डायरेक्ट रोड के ऊपर रोड होगी क्या ये होगा सर? नहीं, 1 करोड़ का है या 5 करोड़ का है, ये बोर्ड लगाना बहुत आसान है। मैं ऐसा समझता हूँ कि 1 करोड़ में यहाँ से वहाँ तक मिश्री की रोड बनती है उतने पैसों में जी, जो क्योंकि कोई शख्स अगर बच्चा गिर भी गया तो मुंह मीठा हो जाता है उसका, मिश्री की रोड गिर सकती है उतने पैसों में। खैर, वो कितने पैसों का उसका तो हमको नॉलेज नहीं है, खाली बोर्ड लगा हुआ है 1 करोड़ 40 लाख का, वो सच है झूठ है वो इंतजामिया जाने इस बात को। सर, जो एमएलए साहब फंड रिलीज कर रहे हैं उससे आप खुश है क्या ना खुश है? नहीं नहीं, फंड रिलीज करे, बहुत अच्छा काम करे, मगर अवाम को तकलीफ ना दें। एमएलए साहब से हमारी गुजारिश है कि तकलीफ ना दें। कैसी तकलीफ दे रहे हैं सर? ये जो रोड बनाकर जो घरों को जो तकलीफ हो रही है लोगों को जी, लोग बीमार हो जा रहे हैं, समझे ने? लॉकडाउन में तो इतनी तकलीफ दी है कि लोग अपनों को खो दिए, मोहता में नहीं जा सके,
उसमें एमएलए साहब का भी बहुत बड़ा मामला है लॉकडाउन के इसमें, उनकी खामोशी एमएले साहब की, एमएले साहब एडमिनिस्ट्रेशन उनको अंदर आने नहीं दी। अरे एक एमएलए को नहीं आने देते, एसपी उनके कंट्रोल में होता है, डीसी उनके कंट्रोल में रहता है, एमएलए बोले तो क्या अनपढ़ लोगों के सामने बोले सर का मत बोलिए, पूरा एरिया पढ़ा लिखा लोगों का है, ये रिटायर्ड पूरे ऑफिसर्स हैं, पेंशन लेके अपने घर आने सो हैं, आज ये रोड जा रही है बोल के कुछ बीमार हो गए घरों में, आप जरा चलिए मेरे साथ में घरों में इंटरव्यू करा तुम बीमार। मांग क्या है सर जी आपकी, मांग क्या? हमारी मांग यही है कि इस रोड को खोद कर बनाया जाए। अगर एमएलए साहब रोड के ऊपर रोड डाले नहीं खोदे तो आप जब एक्शन नहीं, नहीं, मैं एक्शन लेने वाला नहीं हूँ, ये गली के सारे लोग लेते, उनके साथ में मैं रहता हूँ, मैं अवाम का आदमी हूँ, अवाम के बीच में रहने वाला हूँ, अवाम के बीच में रहने वाला हूँ, अवाम पूरी है, या आप सबसे इंटरव्यू लो क्या करते हैं जी, तो मतलब क्या आप प्लान तो डालेंगे ना सर? नहीं हुआ नहीं, तो नहीं हुआ तो बनाने नहीं देते रोड, हमको ऐसी रोड अच्छी है, खूबसूरत है यही रोड हमारे लिए, नहीं हुआ तो बनाने तो नहीं देंगे, और अगर आपको जो भी इलेक्शन के आएगा उसी को हम चांस देंगे, अगर वो नहीं खोदेंगे तो आप दूसरों को चांस, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, वैसा कोई बोल नहीं सकता, मतलब आप अभी बोले दूसरे को चांस, नहीं बिल्कुल वो तो वक्त ही बताएगा जी, ये अगर हमारा काम नहीं होगा तो, जो मेरे समझ में आता बोल तो मैं जी सर जी जी जी, तो इतनी है आपकी अब यही हमारे रोड से ही मुतालबा है, हमारे से हटकर कोई नहीं है, हम हमारी एमएलए साहब से कोई शख्सी दुश्मनी नहीं है, क्या उन्हें हमारे भाई भागादी नहीं है, ये अवाम का मसला है, ये जमहूरियत है, जमहूरियत इसी को कहते हैं कि जमहूरियत में एक क्वेश्चन था सर, आप ये वार्ड से काउंसलर भी फाइट कर रहे थे, नगर उत्थान बजट के पोस्टर्स पे आपकी फोटो नहीं लगा नजर आ रही? नहीं नहीं वो नहीं लगा, तो नहीं लगा, मेरे से एमएलए साहब फोटो मंगे थे, एमएलए साहब ने मंगे थे, उनके जो जरखरी लोग हैं वो लोग मुझको फोन किए थे, चमचे जिसको बोलते हैं, मगर मैं उनको बोल दिया, बोल सकते हैं कौन कौन चमचे? अरे सारे के सारे हैं, किसका नाम लेके बोलूं यार मैं, वो जो लोग फोन किए थे मेरे को, अभी ये आपको जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, इससे कुछ देर पहले भी फोन आया था मेरे को कि वो क्या होने वाला है वहां बोल के, तो मैं उनको सारी चीज बता दिया हूँ, जो होने वाला है ये होने वाला है। फोटो नहीं देने की वजह? मैंने मैं नहीं चाहता नहीं देता मैं फोटो वाला में, समझे, अगर मैं एस्पिरेंट यहाँ का या कैंडिडेट मैं यहाँ का समझे नहीं, ऑफिशियली कैंडिडेट हूँ, आज तक कभी एमएलए साहब फ़ोन नहीं करे जी। कभी कोई मामला रहा तो उनके अपने पैदों से फ़ोन कराते हमको, उन्हें पूछना था ये रोड बनाने वाले हैं, रोड कैसा बनाना, गली के लोगों की क्या तकलीफ है, इनका क्या मसला है, नहीं पूछे उन्होंने एमएलए साहब, उन्हें मनमानी कर रहे हैं, ये मनमानी है, ये पूछना चाहिए था लोगों को, किसी को नहीं पूछे, उनके जो दिल में आया बैठ के फाइल अप्रूवल हो जाती है, उनका प्रोजेक्ट ये हो जाता है, अगर इसको अगर फंड 1,40,00,000 भी कम हो रहा तो एमएलए साहब अपने फंड से देखे इस रोड को जो है सो खोद के बनाना, ये हमारी ख्वाहिश है। अगर खोद के बने तो आप लोग फिर साथ देंगे जी? नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल साथ देंगे, नहीं उनके साथ में रहेंगे, उनको खांदे पे उठा लेकर फिरेंगे हमारे यहाँ। अगर नहीं खोदे तो? नहीं खोदे तो उनको खोदना ही पड़ता है जी, नहीं खोदे तो उन्हें खोदे जाते हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें से जवाब। नहीं नहीं डांबर रोड तो बनाओ, सीमेंट रोड तो बनाओ, जो भी रोड बनाना है बनाओ। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल हलीम।